अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट एड बायोकेमिस्ट्री, पेज नंबर है 41। टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यहाँ पे तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, प्रोमोटर, इन्हांसर, साइलेंसर। हम पढ़ेंगे कि ये क्या हैं और इनकी वजह से क्या होता है। तो सबसे पहले प्रोमोटर, प्रोमोटर नाम से जाहिर है ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को प्रोमोट कर रही है। तो डीएनए का वो लोकस जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज आकर एक्ट करते हैं और पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए कर सकते हैं या डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, तो वो रीजन जहां पर एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए स्टार्ट होती है या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट होती है, इट इज कॉल्ड प्रोमोटर रीजन। और प्रोमोटर रीजन हमने क्या पढ़ा था पीछे, टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स कौन सी जगह होती है, जहां पर एटी रिच सेगमेंट होता है, यानी एडेनिन और थायमिन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन में होते हैं, इट इज कॉल्ड टाटा बॉक्स और इट इज कॉल्ड द प्रोमोटर रीजन ऑफ डीएनए। अगर प्रोमोटर रीजन की म्यूटेशन हो जाए तो क्या होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फिर जो है वो जीन्स की डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, आरएनए नहीं बनता और जेनेटिक रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाता है। इन्हांसर नाम से जाहिर है जो डीएनए के फंक्शन को इंक्रीज करेगा, जीनेटिक एक्सप्रेशन को इंक्रीज करेगा। तो डीएनए का वो लोकस या वो जो उन रेगुलेटरी प्रोटीन्स को कंसीडर करता है जो कि इंक्रीज करती हैं जेनेटिक एक्सप्रेशन को ऑन दी क्रोमोसोम्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्टिवेटर्स। ठीक है, ये वो जीन्स होती हैं जो डीएनए को एक्टिवेट करती हैं। फिर डीएनए का वो लोकस जहाँ पे वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं जो डिक्रीज करती हैं डीएनए के एक्सप्रेशन को, तो इस रीजन को हम बोलते हैं रिप्रेसर या साइलेंसर। ठीक है, कि वो डीएनए को साइलेंट करा देते हैं, डीएनए की एक्सप्रेशन या जेनेटिक एक्सप्रेशन को कम करा देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और याद रखने की चीज़ यहाँ पे प्रोमोटर रीजन है, कि प्रोमोटर रीजन जो है वो टाटा बॉक्स कहलाता है और टाटा बॉक्स में क्या होता है, एटी रिच सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, यानी एडेनिन थायमिन रिच सेगमेंट होता है, जहां पर डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज आकर एक्ट करते हैं और डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन या फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो होपफुली रेगुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम ये पढ़ते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन। आप देखें ऊपर ये एक टेबल बना हुआ है, पेज नंबर 41 पर ये टेबल बना हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है डीएनए। तो वेयर इज डीएनए, डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इन द क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होती है, डीएनए में। अब यहाँ लिखा हुआ है कि डीएनए की जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो उससे बनता है प्री मैसेंजर आरएनए। इस प्री मैसेंजर आरएनए से भी बनता है एक, पहले एक बनता है एचएनआरएनए। तो ये जो एचएनआरएनए है, अगर आप पेज नंबर 41 पर यहाँ नीचे देखेंगे जहाँ आरएनए प्रोसेसिंग ऑफ यूकैरियोट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होता है कि इनिशियली एक हीट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बनता है। किसी भी डीएनए से इनिशियली एक हीट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बनता है और फिर इसकी मॉडिफिकेशंस होती हैं जिसकी मदद से प्री मैसेंजर आरएनए बनता है। अब ये मॉडिफिकेशंस क्या हैं, इसमें कैपिंग ऑफ 5' एंड होती है विद दी 7 मिथाइल गोनोसिन और कैपिंग ऑफ 3' एंड होती है, यहाँ पे पॉली एडिनाइलेशन होती है, यानी एडिनाइल ग्रुप जो है वो ऐड होता है। स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन्स होते हैं जिसकी मदद से डीएनए को जो है वो एच एन आर एन ए को कैप किया जाता है, यानी हीट्रोजीनस न्यूक्लियर आर एन ए की कैपिंग होती है, उसकी पॉलीएडिनाइलेशन होती है और स्प्लाइसिंग होती है। इन मॉडिफिकेशन के बाद हीट्रो न्यूक्लियर आर एन ए जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मैसेंजर आर एन ए के अंदर। अब ये जो प्री मैसेंजर आर एन ए है इसकी स्प्लाइसिंग होगी तो ये मेच्योर आर एन ए में कन्वर्ट होगा और फिर ये मेच्योर आर एन ए जब इसकी ट्रांसलेशन होती है, अब ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ था न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जब मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन होती है तो फॉर्म होता है प्रोटीन, वो जेनेटिक प्रोटीन जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो एंजाइम हो या कोई भी और स्पेसिफिक कैरियर फंक्शनल प्रोटीन्स हो सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि हमारी बॉडी में डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसलेशन, और हीट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए की मॉडिफिकेशंस जो है इसको मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करा देती हैं। ठीक है, अब पेज नंबर 41 पे लास्ट में ये कुछ आरएनए की टाइप्स लिखी हुई हैं जिसमें माइक्रो आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनएज होते हैं।
तो होपफुली ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। पेज नंबर 41 के सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। तो अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो कमेंट सेक्शन में करेक्ट करना है। वीडियो यूजफुल है तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।